का व्रत को लेकर फैल रहती थी भ्रम को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर में बाबा गरीबनाथ धाम के एक हॉल में एक विराट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जीवित पुत्री का व्रत करने वाले व्रती 5 को नहा खा करेंगे और 6 को जीवित पुत्रिका का व्रत किया जाएगा। 7 को 10:21 के बाद पारण किया जाएगा। बैठक में पंडित आचार्य ज्योतिषाचार्य सहित अन्य विद्वान ने एक मत से निर्णय लेते हुए कहा कि जब सभी पंचांग एक तिथि बता रहे हैं तो पंचांगों के लिखे गए तय तिथियों पर भ्रम क्यों। बैठक में शामिल विद्वानों ने बताया कि 7 तारीख के लिए यह व्रत करने का सलाह देने वाले पंडित आचार्य अल्पज्ञानी होने के वजह से भ्रम फैला रहे हैं। बैठक में पंडित कमलापति त्रिपाठी, पंडित विनय पाठक, पंडित बैजनाथ पाठक, आचार्य सुनीता तिवारी, पंडित हरिशंकर पाठक सहित काफी संख्या में विद्वानों व पंडितों शामिल हुए। देखिए, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। हमारे शास्त्रों में जो निर्णय किया गया है, पंचांगकार का मत सर्वदा सर्वमान्य होता है, उनके आधार पर हम व्रत का निर्णय करते हैं। चाहे वो ऋषिकेश पंचांग हो, चाहे महावीर हो, चाहे मिथिला हो, चाहे वैदेही पंचांग हो, चाहे अपराजिता हो, चाहे विश्वविद्यालय पंचांग हो। तो इस प्रकार से जो निर्णय पंचांगकारों के द्वारा दिया गया है, उसकी अवमानना करके हम सनातन धर्म की अवमानना कर रहे हैं। इसलिए हम सब सनातन धर्म के धर्मावलंबी पंचांगकारों के साथ हैं और 6 तारीख को जीवित पुत्र का व्रत के लिए हम समस्त व्रतियों को आहूत करते हैं और 7 को 10:35 पर पारणा, 10:35 के पश्चात पारणा का भी हम सब सबों को सहमति देते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। जहां प्रदोष व्यापनी व्रत ये है मिथिला से प्रारंभ हुआ है और हम सब मिथिलांचल में रह रहे हैं, तो हम मिथिला की परंपरा के साथ राष्ट्रपति पुरस्कार है श्री रामचंद्र झा जी के निर्णय के साथ आज ऋषिकेश पंचांग भी है, महावीर पंचांग भी है, विश्वविद्यालय पंचांग भी है, अपराजिता पंचांग भी है और वैदेही पंचांग भी है। तो सारा पंचांग हमको सहयोग कर रहा है, तो हमको दूसरे दिन 7 तारीख को व्रत करने का कोई औचित्य नहीं दिखाई दे रहा है या किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं है। आप सब भ्रम में न पड़े। 6 तारीख को जीवित पुत्रिका वर्ष उत्तर भारत का सबसे बहुत महत्वपूर्ण वर्ष होता है। यह मध्याह्न व्यापनी किया जाता है। सभी पंचांगों के अनुसार जो मिथिला पंचांग है, बनारसी पंचांग है, सभी पंचांगों में 5 तारीख को नहा खाना है, 6 को जो है सो सहना है और 7 को 7:35 में जाकर पारण करना है। अपने दिहुबा प्रदोषे जत्र चाष्टमी तत्र पूज्य सदा स्त्री भी राजा जी मुत वाहना। कहा कि प्रदोष व्यापनी पड़ता है या पहला निर्णय आया, दूसरा निर्णय आया कि जहां 2 दिन में अष्टमी बटी हो और जिस दिन प्रदोष में अष्टमी हो उस दिन करें हम। इस बार 2 दिनों में अष्टमी बटी हुई है, 6 तारीख 7 तारीख में, तो 6 तारीख के दिन यह प्रदोष काल में है, इसलिए 6 तारीख को ही यह व्रत माना जाएगा और 7 तारीख के दिन 10:21 के बाद पारण किया जाएगा। यह सभी पंचांगों का मत है और सभी विद्वानों का मत है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो संदेह पैदा कर रहे हैं वे पंचांगों में यह स्पष्ट है कि 5 को नहा खा, 6 को व्रत और 7 तारीख को 10:32 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, उसके बाद पारण है। और यहाँ पे जो आज गरीब बाबा के प्रांगण में जो विद्वत सभा का बैठक है, इसमें भी यही निर्णय किया गया है, 6 तारीख को व्रत और 7 को पारण, यही सर्वमान्य है।